हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग सिमुलेशन देखेंगे मिरर कमांड का, G51.1 का। ओके, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, तो आप वहां पे जाके ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से, ताकि मैं काफ़ी अपडेट्स वहां पे दे सकूँ CNC रिलेटेड। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। जो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग सिमुलेटर खोल लेते हैं, CNC सॉन्सॉफ्ट सिमुलेटर। ओके, तो यहाँ पे मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे मशीन सिलेक्शन होता है और कंट्रोलर सिलेक्शन होता है। हम लोग CNC लेथ ले सकते हैं, मिलिंग ले सकते हैं, और कंट्रोलर में फानुक, हास मशीन्स, और उसके बाद सीमेंस के कंट्रोल से न्यूमेरिक। ओके, तो यहाँ से हम लोग रन कराते हैं। तो मशीन खुलते ही पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इमरजेंसी रिलीज करेंगे एंड देन PPK ऑन करेंगे। ओके, इसको हम लोग जूम कर लेते हैं मशीन को, देखें। तो अब हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग एडिट मोड ऑन करेंगे, हम लोग को प्रोग्राम इनपुट करना है। ओके, तो प्रोग्राम इनपुट करने के लिए फाइल पे जाएंगे, पहले हम लोग एडिट मोड ऑन करेंगे, फाइल पे जाएंगे, ओपन, देन हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे text.nc CNC, देन यहाँ पे हम लोग G51 का मैंने मेन प्रोग्राम बनाया है, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, देन ओपन। ओके, तो ये ओपन हो गया हम लोग का प्रोग्राम। देखिए ये पाथ बन चुका है, मैं प्रोग्राम दिखाता हूँ, ये देखिए, ये सेम प्रोग्राम है जैसे मैंने उसमें बताया था, आप देख सकते हैं, ये देखिए सेम प्रोग्राम है, देखिए G51.x0। मैं एक बार आपको चेक भी करा देता हूँ, ये देखिए यही था हम लोग का वर्क पीस, ये देखिए सेम प्रोग्राम है, देख रहे हैं ये सेम प्रोग्राम। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें अगर मैंने पहले से अगर उसमें डाल रखा है सब प्रोग्राम तो अच्छी बात है। सब प्रोग्राम देखिए मैंने पहले से डाल रखा है, इसमें मैं चेक करा देता हूँ आपको एक बार, O1951 हम लोग का सब प्रोग्राम नंबर था। ओपन करते हैं, ये देखिए सब प्रोग्राम, मैं चेक करा देता हूँ सब प्रोग्राम भी, ये देखिए G91 G01 Z-1 F100, ठीक है G91 G01 Z-1 F100। आप सब प्रोग्राम भी ऐसे ही एंटर करा सकते हैं। ओके, जैसे इस प्रोसेस से मैंने जैसे इसको मेन प्रोग्राम एंटर कराया वैसे सब प्रोग्राम। तो पहले हम लोग हमेशा पहले मेन प्रोग्राम खोलेंगे, O1950, देन हम लोग सर्च करेंगे, देखिए हम लोग का ये मेन प्रोग्राम खुल गया, रीसेट कर देंगे ऊपर। तो अब हम लोग को क्या करना है, पहले हम लोग वर्क पीस सिलेक्शन करते हैं। मैं वर्क पीस आपको दिखा देता हूँ, वर्क पीस हम लोग का क्या था, देखिए 150 × 150 और थिकनेस हम लोग मैंने क्या बताई थी 20 mm थिकनेस लेंगे। तो 150 150 देन 20 mm थिकनेस रहेगी हम लोग की, और यहाँ हम लोग G54 में ऑफसेट ले रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले बता दिया हम लोग प्रोग्राम में क्या यूज़ कर रहे हैं, G54, ये देखिए G54। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप जो कलर चाहें वहाँ पे ले सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पे रेड ले रहा हूँ, ये देखिए कोई भी ले सकते हैं आप। ओके, तो ये आप पे है चॉइस, मैं रेड लेता हूँ। ओके ओके, देन हम लोग ओके कर देंगे, ये देखिए हम लोग का वर्क पीस आ गया। अब देखिए हम लोग को हम लोग वर्क पीस को थोड़ा ऊपर उठा लेते हैं वॉइस से, 20 mm पर हम लोग कर लेते हैं, 10 mm। ओके, देखिए ओके करते हैं, ये देखिए फिक्सचर से हम लोग का 10 mm ऊपर है और 10 mm नीचे है, देख सकते हैं आप, मैं जूम करके दिखाता हूँ, देखिए। तो वर्क पीस हम लोग का इंस्टॉल हो गया। उसके बाद हम लोग टूल सेलेक्शन करते हैं, टूल सेलेक्शन करने के लिए हम लोग मशीन ऑपरेशन में जाएंगे, देन टूल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हम लोग मैंने बताया था एंड मिल यूज़ करेंगे, फ्लैट एंड मिल, तो एंड मिल पे क्लिक करके हम लोग यहाँ पे डाया मैंने बोला था 5 mm लेंगे, ठीक है 5 mm। देन हम लोग लेंथ चेंज कर लेते हैं, हम लोग लेंथ 110 ले लेते हैं इसकी। ओके, देन ओके करेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे, इसको टूल नंबर 4 पे हम लोग का है, देखिए T04, यहाँ पे हम लोग माउंट कर लेंगे T04 पे। ओके, यहाँ से हम लोग माउंट कर लेते हैं स्पिंडल पे, देखिए वहाँ पे स्पिंडल पे माउंट हो गया है टूल, ये देखिए
ये माउंट हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑफसेट लेंगे। तो ऑफसेट लेने के लिए हम लोग यहाँ जाते हैं, मैनुअली ऑफसेट कैसे लेते हैं मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। अब बस थोड़ा वेट करते रहिए। रैपिड मूवमेंट सेंटर में मैंने बोला था, मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग को ऑफसेट लेना है वर्कपीस के सेंटर में, तो सेंटर पे हम लोग क्लिक करेंगे, देन ओके। देखिए यहाँ पे रैपिडली टूल हम लोग का सेंटर पे आ चुका है। अब हम लोग ऑफसेट सेटिंग बटन प्रेस करेंगे, वर्क ऑफसेट में जाएंगे, देन G54 में हम लोग पहले X0 मेजर, देन Y0 मेजर, देन Z0 मेजर। ओके, अब हम लोग यहाँ पे ज़ीरो कर देंगे क्योंकि हम लोगों ने G43 यूज़ किया है हाइट ऑफसेट। यहाँ पे ज़ीरो कर देंगे, बस हम लोग को ये वैल्यू हाइट ऑफसेट पेज में इनपुट करनी है। आप ये वैल्यू याद रखिएगा, -155 ज़ीरो यहाँ कर देते हम लोग। तो हम लोग हाइट ऑफसेट पेज पे जाते हैं, ऑफसेट हम लोग को G04 S04 में करना है। दिखाता हूँ प्रोग्राम में, ये देखिए S04 -155 -155 इनपुट कर देंगे हम लोग। यहाँ पे 5 हम लोग का डाया है, 5 ले लेंगे। यहाँ हम लोग डाया ना भी दे तब भी चलेगा, वो हम लोग कंपनसेशन G41 G42 यूज़ करते हैं तब हम लोग को देने की ज़रूरत होती है। ओके, अब हम लोग प्रोग्राम खोल लेते हैं, मेन प्रोग्राम अपना रिसेट कर लेंगे बार। अब हम लोग रेफरेंस कर लेते हैं पहले एक्सिस को, पहले हम लोग हमेशा जेड एक्सिस को रेफरेंस करेंगे, सॉरी ओके ठीक है, जेड एक्सिस रेफरेंस हो गया। अब हम लोग वाई एक्सिस रेफरेंस करेंगे, वाई सेलेक्ट करेंगे, देन पॉजिटिव, देन एक्स रेफरेंस करेंगे हम लोग एक्सिस एक्स प्लस। ओके, तो हम लोग के तीनों एक्सिस रेफरेंस हो चुकी हैं। देन अब हम लोग ऑटो मोड ऑन करेंगे। मैं पहले प्रोग्राम हमेशा सिंगल ब्लॉक में चला के दिखाता हूँ जिससे कि आपको एक एक कोड की नॉलेज अच्छे से हो जाए कौन सा कोड कैसे काम कर रहा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साइकिल ऑन किया मैंने, पूरा नंबर रीड हो गया, 33 ब्लॉक रीड हो गया। ओके, टूल हम लोग का रीड हो गया। देखिए हम लोग का स्पिंडल ऑन हो गया, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए 1500 RPM पे रोटेट कर रहा है स्पिंडल, सॉरी जूम करता हूँ तो अच्छे से दिखेगा। देखिए अब यहाँ पे हम लोग का Z100 पे टूल आ गया है, यहाँ पे Z100 Z5 पे टूल आ गया। अब हम लोग का कहाँ आएगा, G00 X0 Y0 रैपिडली हम लोग का सेंटर में आएगा वर्कपीस के। ये देखिए देख रहे, अब हम लोग का यहाँ से इसके बाद हम लोग का G00 X22 Y13 मतलब हम लोग का यहाँ पे टूल आएगा इस जगह पे। ओके, देखते रहिए आप, मैं इसीलिए सिंगल ब्लॉक में चलाता हूँ पहली बार कि आपको एक एक ब्लॉक कैसे काम कर रहा है आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखिए हम लोग अब क्या होगा, G01 Z0 F100 टूल हम लोग का एकदम वर्कपीस पर टच हो गया, बस कटिंग नहीं हो रही। कटिंग अभी हम लोग की अब स्टार्ट होगी जब हम लोग का सब प्रोग्राम स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ से हम लोग का 5 बार ये वाला सब प्रोग्राम चलेगा, कौन सा प्रोग्राम, ये वाला सब प्रोग्राम 5 बार चलेगा। अब हम लोग का -1 डेप्थ में कटिंग होगी पहले। ओके, अब हम लोग का सब प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए -1 डेप्थ में चला गया G91 से, अब हम लोग का G90 लग के आगे, देखिए ये होगा, देन G03 होगा। ओके, देन G01 से X13 Y22 पे जाएगा, देन हम लोग का इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। ओके, अब ऐसे ही करके M99 से प्रोग्राम हम लोग का सब प्रोग्राम एंड हो गया। अब हम लोग को -1 तक हम लोग की कटिंग होगी, हम लोग को -5 तक करना, मतलब ये प्रोग्राम 4 बार और चलेगा सब प्रोग्राम। ओके, यही पोजीशन पे देखते रहिए आप, देखिए 2 बार हो गया, देखिए 3 बार हो गया, अब 3 बार हो गया, अब फिर से -1 ही अंदर जाएगा। ठीक है, चौथे बार के लिए देखिए एक और गया, ठीक है -4 mm चला गया अंदर जेड में, देखिए फिर ये अब एक और बार हम लोग का -1 mm अंदर जाएगा, मतलब टोटल -5 हम लोग का mm की मिलिंग हो जाएगी यहाँ पे, देखिए -5 पे। अब इसके बाद हम लोग का सब प्रोग्राम यहाँ पे काम नहीं करेगा,
यहाँ पे 5 बार हम लोग ने सब प्रोग्राम अपने आप चलाया है। इसके आप देखिए हम लोग का टूल हम लोग का Z1 पे आ गया है। देखिए वर्क पीस से Z1 देख रहे हैं आप, ये देखिए Z1 पे मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ओके। अब इसके बाद हम लोग का G51.1X0, मतलब मैंने बता चुका हूँ X0 लेंगे तो हम लोग का Y में मिरर करेगा, मतलब यहाँ पे मिरर करेगा इस क्वाड्रेंट में, देखिएगा ये देखें यहाँ पे आ गया टूल, यहाँ से स्टार्ट हुआ था यहाँ पे ख़त्म हुआ, इसमें भी यहाँ से स्टार्ट होगा, देखिए आप देखते रहिए ओके। ठीक है देखते रहिए आप कैसे काम कर रहा है, ये मिरर कमांड ऐसे ही काम करता है, ऐसे ही सबके लिए काम करेगा ओके। अब देखिए ये यहाँ पे हम लोग का ओरिजिन के लिए, जो कि मैं दिखाता हूँ ये वाला X51.X0Y0 ओरिजिन पे काम मिरर कमांड करेगा यहाँ पे देखिए ओके। मैंने एक मैम ऊपर ही चला दिया है ओके, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, देखते रहिए आप हम लोग का चारों जो चारों क्वाड्रेंट में -5 mm तक मिलिंग हो जाएगी ओके। वहाँ अब हम लोग का Z1 पे आ गया, हम लोग का Y0 मतलब X क्वाड्रेंट में मतलब X एक्सिस के अपोजिट में करेगा हम लोग का, देखिए ये मतलब यहाँ पे हम लोग का मिलिंग होगी यही चीज देखिए ठीक है। देखते रहिए आप ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद क्या होगा आप देखिए, 5 बार कंप्लीट होने के बाद आप आपका आपका कंफ्यूजन होती है, आप वीडियो रिवाइंड करके जरूर देख लीजिए कि आपकी पूरी कंफ्यूजन सॉल्व हो जाएगी ओके। G50.1 यहाँ से हम लोग का मिरर कमांड कैंसिल हो जाएगा, हम लोग का टूल अभी कहाँ है Z1 पे है ओके, ये देख लिया आप Z1 पे टूल टूल रोटेट कर रहा है, M09 से कूलेंट ऑफ हो जाएगा हम लोग का, Z100 पे हम लोग का टूल चला गया ओके। मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मेरा कमांड सिमुलेशन भी अच्छे से दिखाया, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, बस आप प्रोग्राम को एक बार पहले देखिएगा और इसको मिरर कमांड कैसे हुआ है आप इसको देखिएगा ओके। देन हम लोग का G28 से पहले हम लोग का Z एक्सिस रेफरेंस हो जाएगा ओके, Z हम लोग का 0 हो गया देखिए, उसके बाद हम लोग का X और Y एक्सिस रेफरेंस हो जाएगा देखिए, ये रेफरेंस हो गया M05 से, मैं दिखाता हूँ कूलेंट ऑफ का वो स्पिंडल ऑफ हो जाएगा देखिए, रोटेट कर रहा है यहाँ से ऑफ हो जाएगा देखिए। एंड M30 प्रोग्राम एंड एंड रिसेट, देखिए मैंने बताया था M30 से प्रोग्राम फिर से वापस स्टार्ट पे आ जाता है, M02 यूज़ करते तो वहीं पर प्रोग्राम एंड हो जाता, तो मैंने काफ़ी सिंपली बताया आपको मिरर कमांड और इसमें मैंने G98 G99 भी यूज़ किया है कि सब प्रोग्राम कैसे काम करता है। आपको अगर सब प्रोग्राम की पूरा देखना है तो आप जी कोड दे सकते हैं, मैंने आई बटन पर डाल दूंगा जी कोड की पूरी प्लेलिस्ट, वहाँ पे मैंने लगभग सब जी कोड जितने भी होते हैं पानू के मैंने सब कवर कर दिए ओके। मैं एक बार वर्क पीस को फिर से लेके एक बार पूरा विदाउट सिंगल ब्लॉक में चला के दिखा देता हूँ ओके। सॉरी देखिएगा सिंगल ब्लॉक हटा के एक बार और चला के दिखाता हूँ ओके। देखिए सिंगल ब्लॉक मैंने हटा दिया, एक बार मैं फिर प्रोग्राम रन कराता हूँ ओके, देखते रहिए आप ठीक है। ये हम लोग का पूरा मिरर कमांड है, चारों कोऑर्डिनेट में हम लोग का मिरर हो जाएगा, X0 करेंगे तो Y में मिरर होगा, Y0 करेंगे तो X में मिरर X एक्सिस में मिरर होगा, और X0 Y0 करेंगे तो ओरिजिन के थ्रू मिरर हो जाएगा हम लोग का ओके। देख रहे हैं हम लोग का ये वर्क पीस अच्छे से हो गया देखिए, तो अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आई हो
सिमुलेशन में भी कोई प्रॉब्लम आई हो, सिमुलेशन का पूरा मैंने बेसिक से लेके ये पूरे बटन्स जितने हैं और ये जितने बटन्स हैं, मशीन कंट्रोल पैनल, प्रोग्राम प्रोसेसिंग यूनिट और पूरा ये सब जितने भी टाइटल बार में जितना भी सब कुछ है सब मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। ये मैं प्लेलिस्ट पूरी आई बटन पे डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख लीजिए। ये बिगनर्स के लिए मैंने इसलिए मैंने स्टार्ट किया पूरा स्क्रैच से कि कोई बिगनर हो तो वो भी अच्छे से चैनल देख सके और वीडियोज़ दे सके, और मैं हिंदी में वीडियो इसलिए बना दूँ कि सबके लिए कंपैटिबल हो। ओके, तो आप चैनल को विजिट करते रहिए, अगर वीडियोस अच्छा लगता हो तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, नॉलेज जरूर शेयर करिए, क्योंकि ये आजकल इंडस्ट्री में काफ़ी डिमांड है सीएनसी प्रोग्रामिंग वीएनसी प्रोग्रामिंग की। ओके, और इसी का आके स्कोप ज़्यादा है, तो आप अगर आपको सीखना है और दोस्तों को सिखाना है तो आप चैनल को जरूर शेयर करें। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, गुड डे।